नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 29th of January 2021 के बारे में। 29th of January 2021 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज आप सभी को करनी है, क्या चीज करने से आप सभी को बचना है, इन सभी के बारे में आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपको क्या अचूक उपाय करना है जिससे कि आपका ये जो दिन है ये और भी ज्यादा शानदार चला जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कुछ भी चीज आपसे मिस ना हो जाए और कोई भी चीज आपसे छूट ना जाए। आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी अपडेट क्या कहता है। 29th of January फर्स्ट जो डिजिट हमारे पास आता है 29, 9 + 2 9 + 10 = 11, 1 + 1 = 2। तो पहला नंबर जो हमारे पास आया वो है नंबर 2। इसके बाद कंबाइंड कैलकुलेशन अगर हम करें तो 29th of January 2021 5 + 6 + 7 और 8 यहां पर नंबर आता है हमारे पास 8। यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो दो नंबर जो है वो आपका चंद्रमा का नंबर है, 8 नंबर जो है वो आपका शनि का नंबर है और फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है। यहां पर कैसा रहेगा आप सभी के लिए, देखिए शुक्रवार का ये जो दिन आने वाला है 29th of January 2021 जो ये दिन आने वाला है ये आप सभी के लिए आपके मन को विचलित करने वाला दिन रहेगा। जी हाँ, ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं आती कहीं ना कहीं और मन में कहीं ना कहीं विचलित करने वाली परिस्थिति रहेगी, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप सभी को हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा सोच के समझ के और बहुत आराम से करने की जरूरत है। मेरा कहना यह रहेगा कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसे छोड़ दीजिए, टाल दीजिए, बट उसके पीछे मत पड़िए, नहीं तो वहां पर आपको नुकसान ही मिलेगा, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। किसी भी चीज के पीछे पड़ना मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर कहीं सडन ट्रैवल आपका बन रहा है, कहीं अचानक जाने की जरूरत पड़ रही है तो वहां पर आप जाने अवॉइड करिए, अगर बहुत जरूरी ना हो तो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहां पर आपको परेशानियां हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको अपने काम को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए साथ ही साथ पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। लेना देना करना ही नहीं है, सबसे पहले तो बिल्कुल ये नोट डाउन रखिएगा कि लेना देना नहीं करना है। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी है, पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी है और किसी भी तरह से अपने मन को विचलित नहीं करना है, फ्लक्चुएट नहीं होना है, किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उलझना नहीं है, अपने काम से काम करना है और रिलैक्स रहना है। मेन मोटो जो दिन का रहेगा वो रहेगा रिलैक्स रहना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहना है क्योंकि दिन आपको परेशान करने वाला ही है। दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने आप को परेशान होने से बचाना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। देश और दुनिया के लिए भी अगर देखेंगे दोस्तों यहां पर तो देश और दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा दिन यहां पर नहीं दिखाई देता। कुछ नई हलचल, कुछ नई गतिविधियां यहां पर होते हुए दिखाई देंगी जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं, ऐसे चांसेस यहां पर बन सकते हैं। कुछ घटनाएं चाहे प्राकृतिक हो चाहे दूसरी तरह से हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घट सकती है, ऐसे चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं जो कि अशांति पैदा करेगी। ऐसी घटनाएं जो कि अशांति पैदा करे, ऐसी घटनाएं यहां पर होते हुए दिखाई दे सकती हैं। तो इसीलिए वहां पर किसी न किसी तरह से नुकसान के चांसेस यहां पर जरूर बन सकते हैं। घटनाएं कोई भी तरह की हो सकती है बट मोस्टली एक तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है ही है कि ठंड अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। भूकंप के छोटे छोटे झटके अभी और भी ज़्यादा आ सकते हैं, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। उत्तर दिशा की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भूकंप से संभल के रहना है, साथ ही साथ लोगों के कारण परेशानी ज़रूर आएगी। पीपल जो रहेंगे हमारे देश के हो जाए चाहे बाहर किसी का दूसरी कंट्री के हो जाए, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे को, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो किसी भी तरह से कोई घटना हो सकती है और उस घटना के कारण से कहीं ना कहीं मन अशांत हो सकता है, ऐसे चांसेस क्लियरली यहां पर दिखाई देते हैं। जरूरी क्या है, अब यहां पर जरूरी है कि हमें अपने आप को बहुत ही ज्यादा शांत रखना है, हमें अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स रखना है ताकि इस तरह की किसी भी परिस्थिति का सामना हम आराम से कर पाए और हमारा दिन जो कि बहुत अच्छा जा सकता है हम उसे खराब ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप भी अपने दिन को अच्छा बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए दिन और भी ज्यादा अच्छा जाए। यहां पर अगर हम राशियों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो राशियों के हिसाब से देखा जाए तो वृषभ राशि वालों को संभल के रहना है, कर्क राशि वालों को भी संभल के यहां पर रहना है, कन्या राशि वालों को भी थोड़ा सा संभल के यहां पर चलना होगा,
और साथ ही साथ मकर राशि वालों को भी आराम से रहना होगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है, परेशानियां आप सभी को हो सकती हैं। नंबर्स की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नंबर्स में आप देखिएगा कि नंबर एक, नंबर दो, नंबर चार, नंबर सात और नंबर आठ के सभी लोगों को यहां पर थोड़ा सा संभल के रहना होगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। यहां पर अल्फाबेट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो अल्फाबेट्स में आप देखिएगा बी फॉर बॉम्बे, बी, सी फॉर चेन्नई, यहां पर डी फॉर दिल्ली और जी फॉर गुजरात, यहां पर आप देखेंगे तो पी फॉर पंजाब और एस फॉर शिमला। इन सभी जगह पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है और इन सभी लोगों को, इन अल्फाबेट्स के नाम के लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की यहां पर जरूरत है, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर ना हो, आपका मन विचलित रहे, आप अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करिएगा, किसी एक चीज पर फोकस ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो दिन की जो एनर्जी कैलकुलेशन है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी यहां पर नहीं दिखाई दे रही। तो जैसी कैलकुलेशन है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई घबराने वाली बात यहां पर नहीं है, मेरा इंटेंशन आप सभी को आप सभी को अपसेट करना नहीं है, आप सभी को परेशान करना नहीं है, मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा, इस बात को पॉजिटिव लेने की कोशिश करिएगा। यहां पर अब आपको क्या अचूक उपाय करना है जिससे कि आपका समय और भी ज्यादा अच्छा हो जाए या ये दिन जो है आपका और ज्यादा अच्छा जाए। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं, ज्योतिषेन वास्तु टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको क्या मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगे और भी कुछ मेरी तरफ से अच्छी चीजें होंगी तो मैं आपको वहां पर अपडेट करता रहूंगा। दूसरी चीज आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मैं जो भी उपाय आपको बताता हूं, जो भी चीजें आपको बताता हूं, वो सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको मेरे उपायों को नेगेटिव नहीं लेना है, तंत्र और टोटकों से संबंधित नहीं करना है इनको, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित उपाय हैं, इसके कारण से आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम से इन उपायों को कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहां पर उपायों की, कि क्या उपाय आपको करना है जिससे कि आपको फायदा मिले, आपको नुकसान ना हो। यहां पर शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन जो रहेगा, आपको सबसे पहले क्या उपाय करना है, जिस भी पानी, जब भी आप सुबह सुबह नहाएंगे, जब पानी से नहाते हैं तो उस पानी के अंदर दही मिला के नहाना जरूरी है आप सभी के लिए। दही मिलाइए थोड़ा सा और नहाइए। अगर दही अवेलेबल ना है घर पे, अगर आपके घर पे दही अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रॉ मिल्क मतलब कि कच्चा दूध मिला के भी नहा सकते हैं, यह आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इस बात का ध्यान रखिए, आप अगर बाहर जाते हैं किसी भी काम से, किसी भी जरूरी काम से बाहर जाते हैं, तो व्हाइट कलर, क्रीम कलर, ब्लैक कलर, इनको अवॉइड कर दीजिएगा। मल्टी कलर्स ले लीजिए आप, ब्लू कलर ले लीजिए आप, रेड कलर ले लीजिए, मैरून ले लीजिए, येलो ले लीजिए, वॉट एवर द आप जो भी कलर पसंद करें आप वो ले सकते हैं, सिवाय इन कलर्स के जो मैंने आपको अवॉइड करने के बोले हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम जो आपको करना है कि एक तो मैंने जो आपको कुछ दिनों पहले पीला धागा और लाल मिर्च का एक उपाय बताया था, वो यहाँ पर आप फ्राइडे के दिन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होगी, और आप चाहें तो आज के दिन रख के कल भी निकाल सकते हैं, ये बात आपके ऊपर है कि आप कब निकालना चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि पहले आप पूर्व दिशा की तरफ जाएँ, उसके बाद आप किसी भी डायरेक्शन में जाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ जाएं और उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। रात के समय स्पेशली दूध नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। व्हाइट चीज़ आप अगर नहीं खाएं तो भी चलेगा, बट स्पेशली मिल्क को पूरी तरह से अवॉइड करना है, मिल्क स्पेशली आपको अवॉइड करना है। और अगर पॉसिबल हो जाए तो सुबह सुबह बाहर जाते समय या अपने दिन को शुरू करने से पहले चीनी, व्हाइट चीनी जो हमारे घर पर अवेलेबल होती है, उसे खा के अपने दिन की शुरुआत करें, उसके बाद जो मर्जी आप खा लीजिए, एक दाना चीनी का पहले अपने मुंह में रख दीजिएगा, उसके बाद ही कोई चीज़ खाइएगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और बाकी माँ लक्ष्मी जी का ध्यान रखना है, दुर्गा माता का ध्यान करना है, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो करेंगे अगर आप, तो आपका दिन अच्छा जाएगा कहीं ना कहीं, और उम्मीद करता हूं कि इस दिन में आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, और जहां जहां वीडियो को शेयर कर पाए प्लीज शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।